बात करेंगे खेल की। खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी आज मुक्सर गए। मुक्सर में उन्होंने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राणा गुरमीत सोढ़ी ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार राज्य में युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए विभिन्न पॉलिसियां बना रही हैं। जो सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच है, उसके मुताबिक सोढ़ी ने बताया कि पंजाब के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वो संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, संसद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो राणा सोढ़ी ने कहा कि उनकी पूरी तैयारी है। अगर हाईकमान चाहेगी और अगर हाईकमान उनको टिकट देगी तो वो ना सिर्फ चुनावी समर में उतरेंगे बल्कि भारी बहुमत से जीतकर वहां की लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। बाकी टिकट लेना देना जड़ी गल है कि वो फाइनल राहुल जी और कैप्टन साहब का फैसला। सर साढ़े ना पिंड ग्राउंड है पंचायत लेवल पे कुछ मुंडिया ने ना आपके को घाल लवाया कि सर जे उन्होंने माली मदद कर दो तो नवी पनीरी जी नवी जनरेशन बहुत वधिया तैयार। देखो साड़ी पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की साड़ी स्कीमां ने नवी पॉलिसी के अधीन कि जिते पंजाब सरकार जिहड़े रूरल डिवेलपमेंट दियां पंचायत दियां जमीनां ने उत्थे बच्चों वास्ते खेड के मैदान बनाने वास्ते सरकार मदद करेगी पैसा दे।